हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रिएटिविटी लवर से। आज मैं इस जैकेट के पार्ट वन की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये हम जैकेट बना रहे हैं, देखिए मैं बना रही हूँ इसे डबल एक्सल साइज के लिए। तो इसमें मैंने टोटल डाले हैं, देखिए 128 फंदे, 130 फंदे आप रख सकते हो डबल एक्सएल के लिए, ठीक है। और अगर देखिए आप इसे एम साइज़ में बनाना चाहते हो इस जैकेट को, तो आपने 102 फंदे डाल लेने हैं एम साइज़ के लिए पीछे वाले पार्ट में, और आगे वाले पार्ट में 56 फंदे होंगे, जिसमें से पांच पांच फंदे हमने बटन पट्टी के डालने हैं। एल साइज़ का बनाना चाहते हो तो 116 फंदे डाल लें, आगे की तरफ 63 63 दोनों तरफ होंगे फंदे, ठीक है। और अगर एक्सेल के लिए बनाना चाहते हो आप, तो एक्सएल के लिए 120 से 125 फंदे तक आप रख सकते हो। तो एक्सएल डबल एक्सएल में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, ट्रिपल एक्सएल में फ़र्क होता है, ठीक है। अगर हम ट्रिपल एक्सएल के लिए बना रहे हैं तो कम से कम 140 फंदे रखेंगे, ऐसे होता है। तो चलिए मैं ये डिज़ाइन की वीडियो आज आपके साथ शुरू कर रही हूँ। देखिए इसे, ये पार्ट वन से हम जैकेट में बनाना आपको बता रही हूँ। तो पहले नीचे से देखिए, मैंने कोई भी बॉर्डर नहीं बनाया है, सीधा इसे नीचे से ऐसे ही स्टार्ट किया है मैंने बनाना। देखिए ऐसे सारा इस पीस को ऐसे ही बनाया है। तो सिलाई में मैंने फंदे डाल लिए हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने 20-20 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं। जो एक्स्ट्रा फंदे होंगे ना हमारे दोनों तरफ से, देखिए ये मैंने जैसे उल्टे बनाए हैं, चार इधर से चार इधर से, क्योंकि इसमें 128 फंदे डाले हैं मैंने। तो सेंटर में देखिए ये 20-20 के मल्टीपल से हो गया हमारा सारा डिज़ाइन, और दोनों तरफ से चार चार फंदे हमारे ये उल्टे आ गए। अब यहाँ पर सिलाई में देखिए मैंने 20-20 के मल्टीपल में 40 फंदे और दो चार फंदे मैंने एक्स्ट्रा रख लिए हैं, दोनों तरफ दो दो फंदे, ठीक है। ये टोटल मैंने 44 फंदे लिए हैं सिलाई में। 44 फंदे लेने के बाद देखिए इसकी फर्स्ट रो, यहाँ पर बॉर्डर बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी फर्स्ट रो से ही ये पैटर्न हमारा स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट रो देखिए, पहले दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे जो एक्स्ट्रा फंदे डाले हैं हमने। ये दो फंदे हमने एक्स्ट्रा डाले हैं ना, स्टार्टिंग में भी लास्ट में भी चार फंदे हैं जो, उसमें से दो फंदे पहले उल्टे आ गए। अब धागा दूसरी तरफ कर लूँगी। देखिए दो फंदे उल्टे बनाने के बाद ये एक फंदा मैं सीधा बना दूँगी। ये एक फंदे सीधे से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा, एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे ऐसे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, यहाँ से हमारे ये बबल बनने स्टार्ट होंगे। तो एक फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ किया, अब इस फंदे को उल्टा बना दिया, फिर से निकालेंगे नहीं क्योंकि इस फंदे से हमने 6 फंदे बनाने हैं अपने। धागा दूसरी तरफ करेंगे, अब इस फंदे को सीधा बना देंगे, ये 1 2 3 धागा अपनी तरफ, फिर उल्टा 4 धागा दूसरी तरफ सीधा, 5 धागा अपनी तरफ उल्टा, 6 फंदे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, देखिए यहीं से वर्क को टर्न कर लेंगे, ठीक है। यहीं पर हमने 6 का फिर से एक बना देना है साथ के साथ, 6 फंदों को ही वापस सिलाई में लेंगे। देखिए ये दो उल्टे फंदे हमारे इधर हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है, और 6 फंदों का एक कर देना है ऐसे। इस फंदे को वापस ले लेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, यहीं से वर्क को टर्न कर लेंगे, और दो फंदे फिर से उल्टे, 1 2 फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, फिर से इस एक फंदे के 6 फंदे बनाएंगे, एक सीधा बना लिया, धागा अपनी तरफ करते हुए एक उल्टा, 2 हो गए, ये 3 हो गए, धागा अपनी तरफ 4, धागा दूसरी तरफ 5 और धागा अपनी तरफ 6, ऐसे 6 फंदे बनाए। अब यहीं से देखिए वर्क को टर्न किया और 6 का एक कर देंगे, ऐसे ये दो फंदे उल्टे इधर कर लिए यहाँ पर ऐसे,
फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, देखिए दो फंदे उल्टे बना लेंगे, एक दो, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, फिर ऐसे एक फंदे से हमने 6 फंदे बनाने हैं। ये हमने टोटल 5 बार ऐसे ही करना है, बीच में दो दो फंदे ये उल्टे आएंगे और हमारे ये 5 बबल बना लेंगे हम। एक धागा दूसरी तरफ करेंगे, हाँ जी, दो फंदे उल्टे, अब इस फंदे से बबल बनाएंगे, एक धागा अपनी तरफ, दो धागा दूसरी तरफ करेंगे और फंदे को थोड़ा सा देखिए लंबा कर लेंगे, 3 4 5 धागा अपनी तरफ, ये 6, ऐसे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, यहीं से वर्क को टर्न कर लेंगे और यहीं पर हम 6 का फिर से एक बना देंगे, ये 3 4 5 और 1 6, ऐसे निकाला, वापस लिया, धागा दूसरी तरफ किया, फिर से दो फंदे उल्टे, ये 3 बबल बने हैं ना हमारे, यहाँ पर हमने 5 बनाने हैं, दो फंदे हमारे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, फिर से इस एक फंदे से 6 फंदे बनाएंगे, देखिए ऐसे, 1 2 3 4 5 और धागा अपनी तरफ, ये 6। अब धागा फिर से देखिए दूसरी तरफ किया, यहीं से वर्क को टर्न किया और ये 6 का एक कर दिया, ऐसे चार हो गए, 5 करने हैं हमें, देखिए फिर से दो फंदे हमारे ये उल्टे, ऐसे धागा फिर से दूसरी तरफ करेंगे और ये एक बना लिया, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर इसे उल्टा बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ, इसे सीधा 3, धागा अपनी तरफ फिर से उल्टा 4, धागा दूसरी तरफ सीधा बना देंगे 5, धागा अपनी तरफ करते हुए उल्टा बनाएंगे ये 6, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, तीन दो पांच एक 6, देखिए ये टोटल हमारे 5 बबल हो गए ना। इसके बाद फिर से दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे, ये 1 ये 2, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे हो गए हमारे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बना लेंगे, ऐसे धागा दूसरी तरफ, अब फिर से हमने वैसे ही करना है, इसे एक फंदे के 6 फंदे बना लेने हैं, 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब यहीं से वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर कर देंगे 6 का 1, ऐसे बिल्कुल इजी पैटर्न है, देखने में ये जितना सुंदर है ना, बनाने में भी ये उतना ही आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ और वैसे ही आप बना लोगे। देखिए वापस लिया, धागा दूसरी तरफ किया, अब दो फंदे उल्टे, अब बीच में देखिए दो दो फंदे उल्टे रखते हुए हमने ये 5 बबल बना लेने हैं, तो इतना 5 बबल मैं बना लेती हूँ, एक तो हमारा बन गया ना, देखिए ये दो फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ, फिर यहाँ पर बबल बनेगा, फिर ये दो फंदे उल्टे, फिर यहाँ पर बबल, ये दो फंदे उल्टे, यहाँ पर बबल, ऐसे करते हुए हमने 5 बना लेने हैं जैसे हमने यहाँ पर बनाए, तो मैं बना लेती हूँ यहाँ तक, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। देखिए ये 1 2 3 4 5, 5 बबल बना लिए हमने, उसके बाद देखिए दो फंदे ये उल्टे हमारे, एक और ये 1 2, ठीक है।
धागा दूसरी तरफ, ये एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये दो फंदे लास्ट में हमारे उल्टे आ गए। ये हमने देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में और लास्ट में रखे हुए हैं ना सिलाई के लिए दो दो फंदे उल्टे, ये वो वाले हैं। अब यहाँ पर उल्टी तरफ से हमने पूरी रो उल्टी उल्टी ही बनानी है, उल्टी तरफ से हमारा कोई पैटर्न नहीं आएगा, ये सारी रो ऐसे ही बनकर रेडी होगी। उल्टी रो बनाने के बाद देखिए फिर से आगे सीधी तरफ। अब सीधी तरफ से हमने क्या करना है, पहले स्टार्टिंग के दो फंदे हम उल्टे ही बना लेंगे। दो फंदे उल्टे बनाने के बाद देखिए धागा अपनी तरफ रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी जाली डलनी स्टार्ट होगी। धागा अपनी तरफ रखते हुए इस फंदे को सीधा बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए सिलाई में ये बल आ जाएगा और हमारी जाली डल गई ऐसे। अब धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे बना लेंगे, ठीक है। धागा दूसरी तरफ, ये एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये सीधा फंदा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए हम यहाँ पर एक फंदा उल्टा बनाएंगे ऐसे। अब धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, यहाँ पर ये बीच वाला बबल है ना, यहाँ पर हर बार हमने तीन का एक करना है हर सीधी रो में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आगे से हमने सिलाई डाली इन दो फंदों में, ये बबल वाला फंदा हो गया, ये उल्टा फंदा हो गया ना, इन दो फंदों में ऐसे आगे से सिलाई डालते हुए इन्हें निकाल देंगे ऐसे। अब इस उल्टे फंदे को हमने सीधा ही बना लिया, अब इन दोनों को उठाएंगे, इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। यहाँ पर तीन का एक हो गया। अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ ये दो फंदे हमारे उल्टे आएंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये दो फंदे हमारे उल्टे हैं, इन्हें उल्टा बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ, ये एक फंदा हमारा सीधा। अब यहाँ पर तीन फंदे हमने सीधे बनाए थे, सेंटर वाले फंदे में दोनों तरफ अब हमारी जाली स्टार्ट होगी। तो एक फंदा सीधा बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे। अब धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम फिर से सीधा बना देंगे। देखिए ऐसे ये सेंटर वाले फंदे के दोनों तरफ हमारी जाली डल गई ना। अब धागा अपनी तरफ, ये दो फंदे हमारे उल्टे, यहाँ से फिर से पैटर्न हमारा स्टार्ट हो गया है, ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा हमारा ये उल्टा। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे, देखिए इन दो फंदों में दोनों को निकाल देंगे। अब इस फंदे को सीधा बनाएंगे, इन दोनों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे ऐसे। यहाँ पर तीन का एक हो गया। धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदे हमारे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे। बबल वाले फंदे हर बार हमने देखिए सीधे ही बनाने हैं, जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं ना बनेंगे वैसे ही, बस यहाँ पर सेंटर वाले फंदे में हर बार तीन का एक होता जाएगा, ठीक है। अब दो फंदे उल्टे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, ठीक है। अपनी तरफ रखते हुए इसे सीधा बनाया, यहाँ पर हमारी जाली डल गई। अब धागा ये उल्टा फंदा बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम सीधा बना देंगे। अब धागा हमने पीछे रखना है, इस फंदे को उल्टा बनाना है, तो यहाँ पर हमारी जाली डल गई ऐसे, दो फंदे उल्टे हो गए, ठीक है। अब उल्टी तरफ से देखिए सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, जाली वाले फंदों को भी हमने उल्टा ही बनाना है। उल्टी तरफ से हर सिलाई में हमारा कोई भी पैटर्न नहीं डलेगा, सारे फंदे हमारे ऐसे उल्टे उल्टे ही बनते जाएंगे। तो ये पूरी उल्टी रो मैं पहले डाल लेती हूँ। अब सीधी तरफ से हमारे ये दो फंदे पहले उल्टे ही आएंगे। उल्टे फंदे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, इस जाली वाले फंदे को सीधा बना देंगे। अब धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, क्योंकि जाली डालनी है, यहाँ पर इस फंदे को सीधा बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हमारी जाली डल गई। अब धागा अपनी तरफ करते हुए दो फंदे हम उल्टे ही बना लेंगे, ठीक है। धागा दूसरी तरफ करेंगे,
इस फंदे को हम सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे तो फंदे हमारे ये उल्टे आ गए, धागा दूसरी तरफ करेंगे ये एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। अब इन दो फंदों में देखिए आगे से ऐसे सिलाई को डालेंगे, इन फंदों को निकाल लिया देखिए ऐसे, अब इस एक फंदे को सीधा बना दिया, इन दोनों को उठाएंगे, इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, यहाँ पर हो गया तीन का एक, ये एक फंदा हमारा सीधा है इसे सीधा ही बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ, दो फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ ये एक फंदा सीधा, अब धागा अपनी तरफ करेंगे देखिए सेंटर में तीन फंदे हमारे सीधे आएंगे, दो जाली से बढ़ गए ना, ये तीन फंदे सीधे, और यहाँ पर दोनों तरफ हर बार आपने जाली डालना नहीं भूलना है, जाली जरूर डलेगी हमारी, देखिए ये मैंने जाली डाल दी, अब धागा फिर से अपनी तरफ, इस फंदे को सीधा करेंगे, यहाँ पर भी जाली हो गई हमारी, अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये एक, ये दो फंदे उल्टे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ फिर से दो उल्टे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा हो गया, धागा दूसरी तरफ ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने तीन का एक करना है, तो इन दो फंदों में आगे से सिलाई डाली, निकाला, इसे एक फंदे को हमने सीधा बना दिया, ठीक है। अब इसे उठाएंगे दो को, इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, इस फंदे को सीधा बना लिया, अब धागा अपनी तरफ, दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा ये सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर हमने जाली डालनी है और इस जाली से बड़े हुए फंदे को सीधा बना लिया ऐसे, धागा अपनी तरफ, फिर से दो फंदे ये उल्टे, और उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी बना लेंगे। उल्टी रो बनाने के बाद सीधी तरफ से देखिए पहले दो फंदे तो हमने उल्टे ही ये बनाने हैं, अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, अब जाली से बड़े हुए दो फंदे हैं हमारे जिन्हें सीधा बना लिया, अब धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना लिया, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से दो फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से ये दो फंदे हमारे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, यहाँ पर सेंटर में देखिए फिर से तीन का एक करना है, आगे से सिलाई डालेंगे दो फंदों में, उसे उतार देंगे, अब ये एक फंदा हमारा सीधा, अब इसे उठाएंगे दो फंदों को, ऊपर से इसके ऐसे गिरा देंगे, ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ, ये दो फंदे हमारे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये एक फंदा हमारा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, अब यहाँ पर एक, दो, तीन, चार और ये पांच फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे ऐसे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, दोबारा से पैटर्न ये हमारा स्टार्ट हो गया है, एक फंदा सीधा, दो उल्टे, अब यहाँ पर करेंगे हम तीन का एक, तो धागा दूसरी तरफ करते हुए आगे से सिलाई डाल लेंगे, दो को निकाल दिया, एक को सीधा बना लिया, अब इन दोनों को उठाया और इसके ऊपर से ऐसे गिरा दिया, ठीक है, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से दो फंदे हम उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा हम सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर फिर से जाली डालेंगे और इस जाली वाले दो फंदों को सीधा बना देंगे ऐसे, दो फंदे हमारे उल्टे, उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी बना लेंगे। अब सीधी तरफ से देखिए फिर से दो फंदे पहले उल्टे आएंगे, ये वाले उल्टे बना लिए, अब धागा दूसरी तरफ, ये तीन फंदे हो गए हमारे, एक दो तीन सीधे, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना दिया, धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, ये दो फंदे हमारे जिन्हें उल्टा बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ, ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा हमारा उल्टा, अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे, दो फंदों में निकाला और एक फंदे को सीधा बना दिया ऐसे, अब इस फंदे को उठाया,
ऊपर से इन दोनों को ऊपर से गिरा देंगे इस फंदे के। तीन का एक हो गया हमारे यहाँ पर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा एक सीधा, दो उल्टे धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात फंदे सीधे, धागा फिर से अपनी तरफ जहाँ पर जाली डालेंगे एक फंदा सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे हम उल्टे बना देंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ करेंगे आगे से सिलाई डाल लेंगे दो फंदों में, निकाला इसे एक फंदे को सीधा बना दिया। अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, ठीक है। यहाँ पर तीन का एक हो गया धागा अपनी तरफ करते हुए, ये फंदा उल्टा ये सीधा, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे और ये एक दो तीन फंदे हमारे सीधे आएंगे, ऐसे तीन फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे, ये दो फंदे उल्टे बना लेंगे और उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी आएगी। अब सीधी तरफ से देखिए, फिर से हमने दो फंदे पहले उल्टे बना लेने हैं, एक दो। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, यहाँ पर एक दो तीन चार फंदे हमारे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना देंगे, ठीक है। धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे, ऐसे धागा दूसरी तरफ, ये एक फंदा सीधा और यहाँ पर तीन का एक करेंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे दो फंदों में, उसे उतारा एक सीधा बनाया, अब इन दो फंदों को उठाया इसके ऊपर से गिरा दिया, ऐसे तीन का एक हो गया, ये एक फंदा सीधा आ गया, धागा अपनी तरफ दो फंदे ये उल्टे आएंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे एक फंदा ये सीधा, धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे और ये जाली से बड़े हुए सारे फंदे हम सीधे बना लेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर हमारे फंदे कम होते हैं, वैसे वैसे ही जाली से हमारे फंदे देखिए बढ़ते जा रहे हैं। फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ ये दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक सीधा बना लेंगे, ऐसे। अब यहाँ पर फिर से हमने तीन का एक करना है, तो दो फंदों में आगे से सिलाई डाली, दो को उतारा एक को सीधा बना लिया, अब इन दोनों को उठाया ऊपर से गिरा देंगे, एक फंदा ये सीधा, धागा अपनी तरफ दो फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और ये जाली से बड़े हुए फंदे हैं जिन्हें सीधा बना लेंगे, एक फंदा उल्टा ये भी उल्टा, ठीक है। उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी, सीधी तरफ से देखिए पहले दो फंदों को तो उल्टा ही बना लेंगे, ये एक ये दो। अब धागा दूसरी तरफ, ये जाली से बड़े हुए फंदे हैं, एक दो तीन चार और ये पांच, ठीक है। इन पांच फंदों को सीधा बना लिया, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर इस फंदे को सीधा बनाएंगे, यहाँ पर जाली डल गई हमारी, धागा अपनी तरफ दो फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब आगे से देखिए, इन दो फंदों को ऐसे सिलाई डाल के उतार लिया, इस फंदे को बनाया सीधा, इसे उठाया ऊपर से ऐसे गिरा दिया, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा ये सीधा। अब धागा अपनी तरफ करते हुए जाली डाल दी, यहाँ पर ये फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह फंदे ये सीधे। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ दो फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, अब यहाँ पर दो का एक करेंगे, आगे से सिलाई डालते हुए दो को उतारा, इसे सीधा बनाया, इसे उठाया ऊपर से गिराएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बना लेंगे,
एक फंदा हम सीधा बना देंगे। अब धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, यहाँ जाली से बढ़े हुए फंदों को सीधा बनाएंगे और जाली डालना हमने बिल्कुल नहीं भूलना है। सीधे फंदे दो, उल्टे, और उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी डाल लेंगे। सीधी तरफ से दो फंदे पहले उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ, ठीक है। फिर ये जाली से बढ़े हुए फंदों को सीधा बना लेंगे, दो तीन पाँच और ये छः फंदे। ये छः फंदे हमारे सीधे, दो चार छः। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, यहाँ पर जाली डाल लेंगे, धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा उल्टा, ठीक है। धागा दूसरी तरफ, फिर से यहाँ पर तीन का एक करना है, आगे से सिलाई डाली, दो फंदे उतार दिया, ऐसे इस फंदे को सीधा बना लिया, इसे उठाया ऊपर से गिरा दिया, ऐसे हो गया यहाँ पर तीन का एक। फिर धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ फिर से जाली डाली, इस फंदे को सीधा बना दिया, धागा अपनी तरफ, एक फंदा हमने उल्टा बना लिया, धागा दूसरी तरफ, फिर से यहाँ पर हमने तीन का एक करना है, दो फंदों को ऐसे आगे से सिलाई डालते हुए उतार लिया, एक फंदा हम सीधा बना देंगे, अब इसे उठाएंगे ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, ठीक है। धागा अपनी तरफ, एक फंदा ये उल्टा एक सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालते हुए, ये जाली से बड़े हुए फंदे हैं हमारे सीधे, जिन्हें हमने सीधा बना लिया, और लास्ट में एक दो फंदे हमारे उल्टे, और उल्टी तरफ से देखिए हमने पूरी रो उल्टी बना लेनी है। अब सीधी तरफ से देखिए, स्टार्टिंग के पहले दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात फंदे हमारे सीधे, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना देंगे, अब यहाँ पर हमने तीन का एक करना है, दो फंदे उतारे आगे से सिलाई डालते हुए, इस फंदे को सीधा बना दिया, दो को उठाया ऊपर से ऐसे गिरा दिया, अब ये एक फंदा हमारा सीधा। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे और यहाँ पर जाली डालेंगे, देखिए ये सारे जाली से बड़े हुए फंदे हैं हमारे, जो सीधे ही बनते जाएंगे, ऐसे इन फंदों को सीधा ही बना लेंगे। ये जाली से हमारे फंदे बढ़ गए, देखिए यहाँ पर हमारे फंदे कम हुए, यहाँ भी बढ़ गए, यहाँ भी बढ़ गए और यहाँ भी बढ़ गए, फंदे हमारे उतने ही पूरे के पूरे 44 फंदे हैं सिलाई में। अब धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालनी है, इस फंदे को सीधा बना लेंगे, अब आगे से सिलाई डालते हुए इन दो फंदों को उतार देंगे, इसे सीधा बनाएंगे, ऐसे इन दोनों को उठाया ऊपर से ऐसे गिरा दिया, अब ये एक फंदा सीधा। धागा अपनी तरफ, ये सारे फंदे सीधे, और हमने यहाँ पर अपनी जाली भी डाल ली, ठीक है। अब जाली से बड़े हुए फंदों को सीधा बना देंगे, लास्ट में हमारे ये दो फंदे उल्टे डालेंगे, और उल्टी तरफ से पूरी रो हम उल्टी ही बना लेंगे, ऐसे। जब इस पैटर्न की फर्स्ट रो आपने डालनी है ना, तो ऐसे ही डालनी है, देखिए ये जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट की थे ना, ये सीधा दो बबल, फिर सीधा, फिर दो बबल, सीधा, ऐसे पांच फंदे देखिए बबल के बनाने के बाद, दो फंदे उल्टे, फिर तीन सीधे बनाए थे, फिर इसी पैटर्न को बबल पांच बनाए, दोनों तरफ देखिए दो दो फंदे उल्टे आने के बाद तीन फंदे आपने सीधे, फिर पांच बबल बनाने हैं, दोनों तरफ दो दो उल्टे फंदे रखने हैं और बीच में ये बबल बनते जाएंगे, ठीक है। सेम वैसे ही बनाने हैं, ये बबल वाला तो वैसे ही पैटर्न हो गया, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती थी कि सेंटर में ये तीन फंदे आपने डालते जाना है और लास्ट में हमारा ये वाला डिज़ाइन डलेगा। अब उल्टी तरफ से देखिए पूरी रो हम उल्टी बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग के दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, ऐसे
दो फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब जाली से बुड़े हुए फंदों को सीधा बना देंगे। ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ पर हमने तीन का एक करना है, जाली डालनी है। देखिए धागा अपनी तरफ है, इन दो फंदों में आगे से सिलाई डाल देंगे। ऐसे डाली, इन दोनों को उतारा, इस फंदे को सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करते हुए देखिए ऐसे सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर हमारी जाली डल गई। अब इन दोनों को उठाया, ऊपर से गिरा दिया, ये तीन का एक हो गया। देखिए यहाँ पर हमारी जाली हो गई। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे और ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह और ये सतारह फंदे सीधे। ऐसे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर हमने जाली डालनी है, दो फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए उतारा, एक फंदा सीधा बना दिया। ऐसे ये डल गई हमारी यहाँ पर जाली। अब यहाँ पर दो को उठाया और इसके ऊपर से ऐसे गिरा दिया, ये तीन का एक हो गया। धागा अपनी तरफ करते हुए लास्ट के ये फंदे सीधे बना लेंगे और यहाँ पर हमारी जाली डल गई और दो फंदे उल्टे। मैं बार बार जाली डल गई इसीलिए कह रही हूँ कि यहाँ पर तीन का एक कर दिया, अगर जाली नहीं डालनी ना अपने फिर सारा पैटर्न हमारा बिगड़ जाएगा, तो जाली डालना भी ज़रूरी है हमारा, ठीक है। जैसे हर सिलाई में तीन का एक हो रहा है ना, हर सिलाई में जाली भी डल रही है। अब इसके बाद उल्टी रो आएगी, उल्टी रो बनाने के बाद फिर से हमने इसी पैटर्न को स्टार्ट करना है। एक बार आपको फंदे, तो देखिए यहाँ पर पहले दो फंदे उल्टे, ठीक है, दो फंदे उल्टे बनाने के बाद इस फंदे को सीधा बना लेंगे, फिर ये दो फंदे उल्टे आएंगे, इस फंदे पर बबल डलेगा, दो फंदे उल्टे इस फंदे पर बबल डलेगा, ये दो फंदे उल्टे इस फंदे पर, देखिए सेंटर वाले पर बबल डलेगा, फिर से दो फंदे उल्टे बबल, दो फंदे उल्टे, पांच पूरे होने के बाद सेंटर का देखिए ये फंदा है, आपने देख लेना है यहाँ पर, ये तीन फंदे हमारे सीधे, फिर से दो फंदे उल्टे, उसी पैटर्न को आगे आगे रिपीट करते जाना है जैसे मैंने यहाँ पर किया है। ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ऐसे बता रही थी आपको, ये बबल वाला पैटर्न बनाने के बाद तीन फंदे ये सीधे, क्योंकि जाली तो हमने फिर तीसरी रो में डाली है ना, सीधी रो में ये बबल वाला पैटर्न डाला, बीच में तीन फंदे सीधे, फिर ये बबल वाला पैटर्न, फिर से तीन फंदे सीधे, बबल वाला पैटर्न, तीन फंदे सीधे, ऐसे करती गई मैं, देखिए ठीक है। तो ऐसे करते हुए हमने ये देखिए पैटर्न मैंने ये बना लिया है। अब सेकंड वीडियो में हमने इसे पीछे वाले पार्ट में ये मोढ़े वाली कढ़ाई हमने कैसे करनी है और इस डिज़ाइन को कैसे आप सेट करेंगे ये भी मैं बताऊंगी, क्योंकि इसमें मोढ़े वाली कढ़ाई भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो मैं बता दूंगी आपको सेकेंड मेरी वीडियो में। तो फर्स्ट वीडियो आपको मेरी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर करके बताना है और शेयर भी ज़रूर करनी है। सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक चैनल को तो अभी कर दें। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।